अपनी बाइक के बारे में नॉलेज ही नहीं होती है कि वो कौन सी चीज ऐसी है जो कहाँ लेके आ रहे हो, बिना कोई सोचे समझे रॉन्ग फैक्ट। अलग ही मंजर है, कुछ अलग ही सीन है। सीन कोविड वापस आने लगा है तो थोड़े से ट्रैवल वगैरह करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा काम आती है ये सब चीज़ें। थोड़ी बहुत नॉलेज इतनी रखनी चाहिए जिससे कि आपको पता रहे कि आपकी बाइक में अगर ये चीज़ ख़राब है तो वो कितनी ख़राब है कि आगे चल जाएगी थोड़ा टाइम। तो जी जैसे मैं बता रहा था आपको कल की वीडियो में, जो कि इसका भी ऑयल फ्लूड थोड़ा सा मुझे लग रहा है कम हो गया है, तो देखते हैं इसको अभी राइड करके आते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे कि ऑयल लेवल कम हो रहा है कि क्या है थोड़ा सा, क्योंकि ब्रेक लगाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम इसमें भी आ रही है। सो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, एकदम मज़े में होंगे अपने अपने घरों में। तो अंकल कहाँ लेके आ रहे हो? बिना कोई सोचे समझे रॉन्ग साइड में लेके आ जाओ। सो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो विद अ न्यू फ्रेश व्लॉग। आज निकलते ही भाई कुछ अलग ही मंजर है, कुछ अलग ही सीन है। सीन कैसा है? सीन ऐसा है कि जी कौन कब कहां से निकाल निकाल के ले जा रहा भैया, नक्को कुछ पता। तो सारे कोई कहीं से लेके जा रहा है, कोई कहीं से लेके जा रहा है, सब रॉन्ग साइड में निकल रहे हैं भैया। तो थोड़ा सा गले में भी कुछ खराबी सी आ गई है, खराशी कह रहा मैं। तो भैया चल रहा है मौसम इस टाइम वायरल वाला, तो अगेन कोविड वापस आने लगा है तो थोड़े से केसेस वगैरह भी आने लग गए हैं दोबारा से, कहीं लॉकडाउन वगैरह का मूवमेंट ना बन जाए भैया। तो लेट्स तो जी पहले कर लेते हैं रोड क्रॉस और चल रहे हैं एक छोटी सी राइड पे, बस थोड़ी सी बातें वगैरह करेंगे और इसके सलूशन के बारे में बात करेंगे, ब्रेक ऑयल फ्लूड के बारे में। तो जैसे थोड़ा सा क्या होता है कि जब ऑयल वगैरह इसमें कम हो जाने लगता है ना, तो ब्रेक क्या है कि बिल्कुल जाम से हो जाने लगते हैं और थोड़ी सी आवाज़ भी आ रही है। तो मैंने इसलिए कल ले लिया था क्योंकि देखो ये वाली चीज़ तो हम खुद अपने आप भी कर सकते हैं, पर थोड़ा सा पता होना चाहिए। सो आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि हाउ टू रिप्लेस ब्रेक ऑयल फ्लूड। तो आप खुद अपने आप से कैसे ब्रेक ऑयल जो है ये उसको कैसे चेंज कर सकते हैं और क्या क्या इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी अपने को, तो सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। मैं आपको दिखाऊंगा भी तो कि आप कभी लॉन्ग ट्रैवल वगैरह करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा काम आती हैं ये सब चीज़ें, कि आपको पता होना चाहिए कि मेरी बाइक में मैं अपने आप कौन कौन सी चीज़ों को फिक्स कर सकता हूँ। सो ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो जाती है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि भैया देखो थोड़ा बहुत इतना तो काम आना चाहिए कि आप कुछ चीज़ों को आप अपने आप सही कर दें, या फिर एक ऐसी नॉलेज होनी चाहिए कि कोई आपको कहना चाहिए ना कि चूना ना लगाने पाए। क्योंकि बहुत सारे मैकेनिक्स ऐसे होते हैं कि आपको बोल देते हैं कि जी ये ख़राब है, ये इसका ये ऐसे ख़राब है ये, तो कई बार थोड़ी बहुत नॉलेज इतनी रखनी चाहिए जिससे कि आपको पता रहे कि आपकी बाइक में अगर ये चीज़ ख़राब है तो वो कितनी ख़राब है कि आगे चल जाएगी थोड़ा टाइम, मतलब उसको वो सर्वाइव कर जाएगी। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। तो पहले करते हैं रोड क्रॉस, क्योंकि देखो कितनी तेज़ी में आया है कोई। तो देखो ये वाली चीज़ें तो मस्त होनी चाहिए एक राइडर को। बहुत से ऐसे राइडर्स होते हैं जिनको पता ही नहीं होता, बाइक अपनी चला रहे हैं लेकिन उनको अपनी बाइक के बारे में नॉलेज ही नहीं होती है कि वो कौन सी चीज़ ऐसी है जो आप सही कर सकते हैं, या फिर ख़राब हुई है किस वजह से ख़राब हुई होगी। तो ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, आपको पता होना चाहिए। तो जी जो नेक्स्ट वीडियो होगी मेरी, नेक्स्ट वीडियो इसी चीज़ के ऊपर होगी, हम ब्रेक ऑयल फ्लूड जो है हम उसको रिप्लेस करेंगे कि कैसे कैसे उसका प्रोसेस है सारी चीज़ों को। क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा जो बता देता हूँ, इसमें बस यहाँ पे दो नट वगैरह है ना, ये स्क्रूज़ है, इसको खोल देना है और उसमें देखना है, पहले लेवल चेक करते हैं। इधर की साइड से आप लेवल चेक कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से, तो कि आपका कितना लेवल बच रहा है, कितना वो है, कितना और चाहिए, तो ये सारी चीज़ों को देख के उसी हिसाब से और
बाकी जितना भी प्रोसेस होगा वो सारी अगली वीडियो में मैं बता दूंगा सब चीज़ों को कैसे कैसे करते हैं। तो जी शाम के बज चुके हैं 6:30, तो मौसम आज थोड़ा सा बहुत ज़्यादा गर्म था, इसलिए मैंने आज इवनिंग में ही व्लॉग शूट करने का सोचा, क्योंकि दोपहर के टाइम में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी तो बिल्कुल भी निकलने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी मैंने कहा थोड़ी सी शाम हो जाएगी फिर निकला जाएगा व्लॉग के लिए। और इस टाइम कुछ ज़्यादा ही भीड़ है, क्योंकि भैया सारे लोग निकलने जॉब से वापस आने वाले लोग हैं, और देखो बिना इंडिकेटर दिए कोई भी कहीं पे भी कैसे भी मुड़ जाओ, बस भैया कुछ नहीं बोल सकते किसी का, बस अपने को चौकन्ना रहने की ज़रूरत है, अटेंशन रहने की ज़रूरत है कि भैया दूसरा आगे वाला जो बंदा चल रहा है ना, देखो वो तो कैसे चला रहा है उसका आप कोई जज नहीं कर सकते, लेकिन आपको अपने ऊपर कंट्रोल होना चाहिए कि सारी चीज़ों को आप हैंडल कर पाओ, क्योंकि जैसे मैंने बताया था ना, ओवर स्पीडिंग तब कीजिए जब आपकी स्किल्स वगैरह आपकी क्या नाम है जो कहना चाहिए ना पैतरे, अगर ये सब चीज़ें अगर बढ़िया हो, स्किल्स अच्छी हो, तो तब आप क्या नाम है ओवर स्पीडिंग अगर जैसे कर रहे हो, जैसे ऐसे रास्ते पे कर रहे हो कट वगैरह मारते हुए चलते हैं ना, तो उसमें सिर्फ एक तजुर्बा और एक स्किल्स वगैरह ये बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, क्योंकि भैया देखो आगे वाला बंदा कैसे चला रहा है आप कुछ वो नहीं कर सकते, क्योंकि बोलते हैं जो आगे वाला जो बंदा चल रहा है ना वो अनाड़ी है। अनाड़ी का तो देखो इंग्लिश में मेरे को कुछ पता नहीं है, लेकिन अनाड़ी मीन्स यानी कि स्टूपिड पीपल, आई थिंक सो यही हो सकता है स्टूपिड पीपल, क्योंकि वो कैसे चला रहा है कौन सी मस्ती में चला रहा है ये देखो कुछ नहीं पता, बस आपको इतनी अटेंशन होनी चाहिए कि आप इस चीज़ को हैंडल कर पाओ, बस सिंपल, दैट्स ऑल। सो गाइस थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो साइड में बेल आइकन आ रहा है उसको ऑल कर दीजिए, ताकि जितनी भी लेटेस्ट वीडियो लेटेस्ट व्लॉग्स आते हैं तो सबसे पहले वो आप तक पहुंचने पाए और आप इन्जॉय करने पाए हमारे लेटेस्ट वीडियो को, लेटेस्ट व्लॉग को। तब तक गाइस आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में, ओके बाय बाय।